दबिश डालने गई पुलिस टीम पर हमला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में बीती रात कई घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। इन्हीं घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ गांव में चोर को पकड़ने के लिए छापामारी करने पहुंची थी। छापेमारी के दौरान कड़ाधाम कोतवाली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान हिरासत में लिए गए युवक की मां कई महिलाओं व लड़कों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ईंट पत्थर व लाठी डंडे से हमला बोल दिया। हमले में कड़ाधाम कोतवाली के सब इंस्पेक्टर के राज सिंह व सिपाही दिलीप को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पुलिसकर्मियों के सिर फोड़ दिए गए, हाथ और पैर में भी जख्म के गहरे निशान हैं। हमलावरों ने सब इंस्पेक्टर के राज सिंह की सर्विस रिवॉल्वर व उनका मोबाइल भी छीन लिया। जैसे तैसे दोनों पुलिसकर्मी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस टीम पर हमले की जानकारी पर महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सैनी व कड़ाधाम कोतवाली समेत कई थाने की फोर्स नरसिंहपुर कछुआ गाँव पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह व सीओ सिराथू रामवीर सिंह के नेतृत्व में आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू की गई। पुलिस की छापेमारी में तीन महिलाएं व एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सब इंस्पेक्टर से छीनी गई रिवॉल्वर को बरामद कर लिया गया है। उनका कहना है कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हिरासत में लिए गए हमलावरों के खिलाफ NSA व गैंगस्टर आदि की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस वाले आए, क्या हुआ इनके साथ में, क्या है? जो हमें कंप्लेन आई है उसमें उन्होंने ये बताया कि लोग गलत लेने गए थे वहाँ पे, जो दूसरे पक्ष के लोगों ने इतना बस में चला से दिखाया था। और जो चोटें आई हैं उससे एक मरीज जिसको ज़्यादा जल्दी चोटे सबसे ज़्यादा चोटे किए गए और उसकी स्थिति कल सिटी स्कैन होने के बाद यहाँ पर आई, दूसरे मरीज का भी हाथ में फ्रैक्चर की चांसेज है। दवाएँ सारी दे दी गई हैं, पेशेंट स्टेबल है और बाकी इलाज तो अच्छे हो गया सिटी स्कैन होने के बाद। आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर हम लोग NSA की भी कार्रवाई करेंगे ताकि ये एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।